अखिलेश एक और सवाल था आपसे कि आज 85% देश की जनसंख्या बहुजन समाज की देखी जाती है और वो बहुत विभिन्न विभिन्न जातियों में बिखराव हो गया है उसका, तो इस बिखराव को बहुजन समाज कैसे जोड़ने का काम करेगा? अगर सीधे सीधे कहें तो ये जो बिखरी हुई जातियां हैं इनको जोड़ने के लिए बहुजन समाज की क्या रणनीति और क्या कर रहा है बहुजन समाज की पार्टियाँ? बी एस पी हमारे जो जातियाँ देश में 6,747 जातियों में हमारी जातियाँ बटी हैं, क्योंकि मनुवाद के लोगों ने जातियों में से उपजातियाँ फिर उपजातियों फिर जातियाँ, यदि हम एक चमार जाति को उठा कर देखें तो तमाम जातियाँ निकलती हैं, एक हम किसी कश्यप को उठा कर देखें उनमें तमाम जातियाँ निकलती हैं, किसी हम प्रजापति उठा कर देते हैं उनमें तमाम जातियाँ निकलती हैं, जातियों से उपजातियाँ पैदा करती हैं। इस देश की मनुवाद के जिसने मनु ने बनाया संविधान, इस देश के तमाम सभी जातियों को तोड़ने का काम, उनको बखेरने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहती है साथ तमाम समाज के लोग जुड़कर, केवल क्योंकि जो मनुवाद ने हमें कहा है टचेबल अनटचेबल की जो बात करी है, 85% के लोगों की जो बात करी है, हम इस हिंदू व्यवस्था के आधार पर ये 85% सब शूद्र हैं। अंतर क्या है? एक टचेबल, एक अनटचेबल, एक सचूत है, एक अछूत है। लेकिन हम इस हिंदू व्यवस्था के आधार पर हमें चौथे वर्ण में रखा गया, ये हमको जानकारी देनी होगी। अरे आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई, उनको अपने साथ मिलाकर बताना होगा कि जब हम एक ही कुटुंब के आदमी हैं, जब हिंदू व्यवस्था ने हमें एक ही कुटुंब में डाल दिया, वे ब्राह्मण फिर ठाकुर वैश्य, हम तो सब चौथे में आ गए, भाई बताओ हम में कहाँ आप भेद हैं। अरे इस ब्राह्मण से हमें दूर होकर हमें आपस में भाईचारा पैदा कर बहुजन समाज पार्टी मजबूत करेगी, और माननीय बहन जी देश में भाईचारा बना कर देश में बहुजन समाज बनाना चाहती है। बहन जी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, बहुजन से उठ के बात करती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ, दिल की गहरे से आपका बधाई देता हूँ कि आप हमारी बात को, बहुजन समाज पार्टी की बात को, हमारे नेताओं की बात को जनता पहुँचाने का काम करते हैं। मैं तहे दिल की गहरे स्वागत और आपको मेरा प्यार भरा जय भीम।